हल्द्वानी के वनभूलपुरा में मालिक के बगीचे में गुरुवार को अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मदरसे और धार्मिक स्थल तोड़ने के दौरान भारी बवाल मच गया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साई भीड़ ने जमकर पथराव और आगजनी कर वनभूलपुरा थाना आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हुई फायरिंग में वनभूलपुरा क्षेत्र के 6 लोगों की मौत हुई। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने भी हल्द्वानी में तत्काल कर्फ्यू लगाते हुए विकासखंड के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रखने के आदेश दे दिए। रात 9 बजे के बाद शहर की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। बवाल बढ़ने पर हुई फायरिंग में गंभीर रूप से घायल गफूर बस्ती निवास जॉनी और उसका बेटा अनस आरिस और पुत्र गौहर गांधीनगर निवासी फहीम वनभूलपुरा के इसरार और सिवान की मौत हो गई है। छतों और तंग गलियों से चले पत्थरों से 300 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें हल्द्वानी SDM परितोष वर्मा, कालाडूंगी SDM रेखा कोहली, तहसीलदार सचिन कुमार, CO स्पेशल ऑपरेशन नितिन लोहनी समेत 200 से अधिक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। CM ने ली बड़ी बैठक, DM ने दिए दंगाइयों को गोली मारने के आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अफसरों पर हमले की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उधर नैनीताल के जिलाधिकारी ने वनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाते हुए दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देर शाम CM आवास की इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और अफसर से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी ने फोन पर मुख्यमंत्री को बताया कि अशांति वाले क्षेत्र वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है तथा स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।